अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम यहाँ आए हुए डीन्स प्लाजा पेशावर में जो वाक़ है, और ये काफ़ी बहुत बड़ा एरिया, बड़ी एरिया लगता है मुझे। काफ़ी बहुत सारे शॉप्स हैं यहाँ पे, थाउजेंड्स के हिसाब से। काफ़ी इन्जॉयमेंट वाली जगह है, और यहाँ पर आके ना बंदे को एकदम वो वीआईपी वाली फीलिंग्स आ जाते हैं। ये रहा मेरा गरीब दोस्त सुहेल असलम, जो क्या कहते हैं, अक्का पक्का सा रह गया यहाँ शॉपिंग मॉल को देखकर। यहाँ नीचे की तरफ ही देखे जा रहे हैं, आप देख सकते हैं इसको, काफ़ी उसके चेहरे पे वो फीलिंग्स आ रही है कि वाह क्या जगह है। हमारे यहाँ, हमारे गांव से जो लोग आते हैं ना, वो यहाँ इस जगह को ऐसा फील करते हैं जैसे वो दुबई में आए हो, दुबई हो या फिर ऐसे सऊदीया हो गया। मैं आपको वापस ले चलता हूँ सुहेल असलम की तरफ। सुहेल साहब, छोटी सी इंटरव्यू लेना चाहूँगा आपसे। कैसे फील कर रहे हैं आप यहाँ पे इस वक्त? मैं तो बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, लेकिन वो हजूम नहीं है जो मैं इस्लामाबाद में और सेंट्रोस मॉल में देख रहा हूँ। सेंट्रोस, अच्छा 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 यार, वो इस्लामाबाद है, ये पेशावर है, हम पठानों का इलाका है। इस्लामाबाद से कम है क्या? पेशावर इस्लामाबाद से कई गुना बेहतर है, लेकिन इज़्ज़त के मामले में ना यहाँ पर इज़्ज़त बहुत ज़्यादा होती है। अभी देखो ना, वहाँ पे हम इस्लामाबाद गए हुए थे, तो वहाँ पे तकरीबन 1000 बंदे ही सही, उसमें से 800 तो लड़कियों को देखने के पीछे उस चक्कर में आए हुए थे, बाकी 200 को यहाँ वहाँ पे काम वाम मिला। हम तो यहाँ, अभी देखो यहाँ पे हर बंदा ख़रीदारी के लिए आया, हर बंदा ख़रीदारी कर रहा है, बाकी कोई मतलब फजूल में ऐसे यहाँ वहाँ नहीं घूम रहा। तो इतना कहना चाहूँगा कि जगह तो बड़ी ज़बरदस्त है माशाल्लाह। क्या लाइटिंग क्या ज़बरदस्त लगी हुई यहाँ पर। ये हम 5th फ्लोर में खड़े, माशाल्लाह ज़बरदस्त। मस्जिदें भी हैं यहाँ पे, टॉयलेट्स भी है, जेंट्स के अलग और लेडीज़ के अलग। काफ़ी बड़ी जगह है।